हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं किचन गार्डन के बारे में। तो चलिए आज हम अपने किचन गार्डन का सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि हमने अपने किचन गार्डन में क्या क्या लगा रखा है। आइए, तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं स्वीट कॉर्न से। स्वीट कॉर्न जो है ये अपने आप में बहुत ही पॉपुलर जो है ये खाने का, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं, इसको हम मकई के रूप में भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फल जो है सब में किस तरह से आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ये भरा हुआ है मकई से, तो सब में फल भी आ चुके हैं। तो कितना इसका जो है इस्तेमाल कई रूप में किया जाता है, स्वीट कॉर्न का, मकई का, बहुत सारे इसके जगह इसका इस्तेमाल है। तो हमने अपने जो है किचन में इसको भी जगह दिया है और लगा रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टमाटर यानी कि टोमेटो जो है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है फल आपको दिख रहा है। अभी फल का साइज बहुत छोटा है, उसके बाद जो है काफ़ी तादाद में ये लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं धनिया पत्ता के बारे में। धनिया का इस्तेमाल जो है हम लोग अक्सर खाने में करते हैं, चाहे वो चटनी के रूप में हो या किसी भी सब्ज़ी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आप धनिया देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टमाटर का साइज़ देखिए, अभी काफ़ी जो है छोटा साइज़ है, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है ये तैयार हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से धनिया और जो है यहाँ पे टोमेटो जो है और इसमें कद्दू का जो है पौधे को इस पर लतराया जा रहा है। ये एक जो है एक का ये पौधा है, ये भी बहुत छोटा है, बहुत सारे जो है निकल चुके हैं, वो भी बहुत छोटा है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि हमारे किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा पौधे तो नहीं हैं, लेकिन जो आम तौर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं धनिया पत्ती या टमाटर, वो सब यहाँ पे है और काफ़ी तादाद में है। मकई के बारे में आपको हमने दिखाया कि मकई जो है वो कितना जो है सारे में जो है फल आ चुका है दोस्तों। और जो है आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, आप देखिए कि ये जो टमाटर जो है ये पक रहा है, ये देखिए कलर जो है इसका बदल रहा है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो अभी इसमें वक्त लगेगा बदलने में, मतलब पकने में। तो आइए और भी आपको हम पौधा दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा जो है किचन गार्डन। स्वीट कॉर्न के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये एक ऐसा फल है जो अनेकों चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। हम लोग गांव में इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन जब शहरों की तरफ हम जाते हैं तो इसी स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है, जिसका अलग अलग तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और महंगे दामों में बेचा जाता है। मिसाल के तौर पे जब हम किसी मॉल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो इसको जो है पॉपकॉर्न के नाम से हम वहाँ पे जाने जाते हैं और वहाँ पे महंगे दामों में बेची भी जाते हैं। लेकिन वही अगर इसमें हम गांव की बात करें तो गांव में इसका उतना वैल्यू नहीं होता है, न कि महंगे होते हैं। लोग इसका इस्तेमाल जो है आटा के रूप में करते हैं और इसका जो है भूजा भी भून करके खाते हैं। तो अभी जो इसमें आप फल देख रहे हैं, अभी इस तरह का इसमें नहीं हुआ है जो आपको हम दिखा दें इसमें फल आ रहा है कि नहीं, फल का क्या हिसाब किताब है। एक आपको दिखाते हैं कि इसमें फल है या नहीं है। दोस्तों हम एक पौधे से दिखाना चाहते हैं कि इसमें देखिए अभी जो है बिल्कुल भी जो है ये भुट्टा के लायक अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दाने अभी नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि दाना जो है अभी इसमें बन रहे हैं। जब ये दाना थोड़ा बन जाएगा, दाना बनने के बाद इसका इस्तेमाल हम इसको भून करके खाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो ये हमने जो बताया है कि इसका बहुत जगह पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही हम बात करते हैं कि देखिए एक पौधा और है, आपको दिखा दें। देखिए ये इसको किलैया बोलते हैं। इसका भी जो है हम अलग अलग रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दाना जो है ये अभी देख सकते हैं कि दाने का साइज़ तो ठीक है, क्योंकि दाना इसी साइज़ का होता है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपने आप अगर इन सब चीज़ों का शौक़ रखते हैं तो अपने किचन गार्डन में आप तमाम तरह के जो है पौधे लगा सकते हैं, जिससे आपको टाइम टाइम सब्जी जो है खाने को मिले, या इस तरह का भी आप थोड़ा बहुत अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।